वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स आइए, आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा रिवीजन चल रहा है काफ़ी टाइम से, ये आपकी रिवीजन की लास्ट वीडियो है जिसमें हमारा लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो है क्वेश्चन आंसर्स का कंटिन्यूशन, प्लस आज हम डायग्राम्स को भी समझेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दें, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हमें पढ़ना है और उसको समझना है और आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट ये वाला क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। लोग सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए कैसे पार्टिसिपेशन अपना देते हैं, कैसे बढ़ चढ़ कर वो आते हैं अपने पार्टिसिपेशन देने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। आइए स्टूडेंट इसका आंसर देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे प्रजातंत्र में, हमारे सिस्टम जो है, जो सिस्टम हमारा चल रहा है अपने देश को चलाने के लिए, द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये हुआ कि वो लोग, जो वो नेता जो लोगों के द्वारा चुना गया है, जो उनको रिप्रेजेंट करेगा, वो इंसान रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। तो डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो पीपल्स की प्रॉब्लम को, वो लोगों की प्रॉब्लम्स को आगे शो करते हैं, आगे रिप्रेजेंट करते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। बिकॉज वो क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है काम जो कर रही है वो लीडर्स को जो ऑर्डर देती है सारे लोगों को, वो आगे जाके फॉलो करवाते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम भी जाहिर सी बात है, तो वो अपनी सरकार को प्रॉब्लम बताएंगे तो वो कौन बताएंगे, सबसे पहले लोग बताएंगे। और लोग किस पे बताएंगे, रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उनका, लीडर। और लीडर आके जाके वो अपने एरिया के, जिस एरिया में वो प्रॉब्लम है उसको बताएंगे। तो ये लोग जो चुने जाते हैं, लोग, हम जैसे लोग उस इंसान को सही समझते हैं कि ये हमारे एरिया में अच्छा डेवलपमेंट कराएगा, प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, तो आइए ये हमारे लिए बेस्ट इंसान है, इसको हम वोट देकर इलेक्शंस में चुनते हैं। तो आइए इसमें यही लिखा हुआ है, इलेक्टेड बाय द पीपल्स, यानि कि हम जैसे आम जनता, आम लोगों के द्वारा ये रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव्स टेक्स डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। जो लोग चुने हुए नेता जो होते हैं, हम जैसी जनता के द्वारा, वो हमारे ही बिहाफ पर, हमारे पे ही डिपेंड होकर वो अपना डिसीजन लेते हैं और जनता को सुनाते हैं अपना डिसीजन। जो भी लोगों की सहमति से जो डिसीजन लिया गया है उनके भले के लिए, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स ही उनका डिसीजन लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। जो इस एरिया का वो रिप्रेजेंटेटिव है उस एरिया की प्रॉब्लम को सुनेगा और साथ में वो सॉल्यूशन भी ढूंढेगा डिसीजन लेकर। तो ये रिप्रेजेंटेटिव मिलकर ही क्या है, हमारे एरिया की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड दैट इज़ अ 5 ईयर्स। सारी सरकारें जितने भी अब तक चुनी गई हैं उनका कम से कम जो पीरियड जो चुना जाता है वो 5 साल के लिए होता है। 5 साल के लिए हमारी गवर्नमेंट काम करती है, उसका फिक्स पीरियड होता है। और लीडर्स की जो पावर जो होती है वो 5 साल के लिए होती है, बिकॉज वो 5 साल के लिए हमारे लिए काम करते हैं, हमारे देश के भले के लिए काम करते हैं। तो वो लीडर्स, ये जो गवर्नमेंट जो चुनी जाती है हम जैसे लोगों के द्वारा, इलेक्शन देकर, वोट देकर सरकार को हम चुनते हैं, तो वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। गवर्नमेंट आगे भी चुन सकते हैं हम, वो कैसे, कि जब दोबारा हमारे नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद जब इलेक्शंस होंगे तब हम उनको दोबारा सरकार बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे हमारी 2014 में कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी आई, बीजेपी सरकार जिसको हम बोलते हैं, वो पावर में है,
वही सारे कंट्री के बेसिस पर डिसीजन लेती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव जो कि बटे हुए हैं अलग अलग एरियाज़ में, उनको प्रॉब्लम्स को बताते हैं और राय लेने में मदद करते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है उन्हीं नेताओं से वो राय लेती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो ये सारी चीज़ें वो 5 साल के लिए करती है। 2014 में कांग्रेस को हराकर बीजेपी पार्टी अपनी पावर में आई सरकार बनाने के लिए, बिकॉज सरकार बनाने के लिए आधे से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं, मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा जैसे ही वोट हो गए सरकार बन जाएगी, और आधे से ज़्यादा स्टेट्स में वो गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब जैसे ही हमारे 2014 से 5 ईयर्स करो, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, 2019 में इलेक्शन होंगे, हो गया 5 साल का पीरियड हमारी गवर्नमेंट का। अब दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा उनको चुना जाएगा, और अगर हम सेटिस्फाई हैं उस सरकार के, उस गवर्नमेंट के काम से, तो ही हम दोबारा उस सरकार को आगे चल के बनाएंगे, जैसे कि हमने 2019 के इलेक्शन में दोबारा बीजेपी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट की फॉर्म में देखा, बनाया। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हमारी गवर्नमेंट काम करती है, और एक्सटेंड होता रहता है उसका पीरियड, 5 साल से एक्सटेंड होकर 10 साल हो गया। तो ऐसे भी हमारी गवर्नमेंट सिलेक्ट की जाती हैं। लोग पार्टिसिपेशन कैसे देते हैं अपना इलेक्शन में, वोट देकर पार्टिसिपेशन देते हैं। जिन वो लोगों को वो वोट देते हैं वही उनका क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मिलकर क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उनके बिहाफ पर उनके भले के लिए डिसीजन लेता है, और जिस रिप्रेजेंटेटिव जो वो होता है वो गवर्नमेंट का ही लीडर होगा, उसका पार्ट होगा, और वो हमारे एरिया में 5 साल के लिए तो काम करेगा कम से कम। तो यही गवर्नमेंट का फिक्स पीरियड होता है 5 ईयर्स का। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट शोज दैट वी रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रोविजन लिखे हुए हैं, 2 प्रावधान हमारे संविधान में, वो ये बताते हैं आपको, वो 2 प्रावधान बताने, 2 प्रोविजन बताने हैं जो कि ये बताएं कि वो हमारी जितनी भी हमारी डाइवर्सिटी है पूरे देश में उसको हम सम्मान देते हैं, जितने भी कल्चर्स पाए जाते हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इन सभी को हम सम्मान देते हैं, फेस्टिवल्स को बराबर बनाते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मतलब वो ईद पे जाकर हिंदू वहाँ पे जाके रोज़ा में शामिल होगा, मतलब जो वो अपना जो भोजन वगैरह करते हैं, इफ्तार जिसे हम कहते हैं, रोज़ा इफ्तार, तो उसमें शामिल हो जाता है। होली दिवाली मुसलमान तक लोग बनाते हैं, तो ये क्या है, वो हमारे कल्चर्स में आकर जुड़ रहे हैं, अपने शेयर, अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को वो शेयर कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को बता रहे हैं जो भी है, तो शेयरिंग ऑफ कल्चर भी हो रहा है इसमें, तो वो मिलकर त्यौहार बना रहे हैं। होली दिवाली मुसलमान भी बनाते हैं हिंदू के साथ, होली दिवाली सिख भी बनाते हैं, जो पंजाबी लोग जो होते हैं, तो ये क्या है, इससे हमें पता चलता है कि सारे लोग जो हैं हमारे देश में कल्चर का, रिलीजन का बहुत सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। आइए जरा देखते हैं इसका आंसर क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात की गारंटी देता है कि कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में सभी चीज़ बराबर है, सभी चीज़ बराबर है। द लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन। कानून किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं करता, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान हो, कानून में सभी लोग बराबर हैं। कानून जो है, लॉ जो है, सभी के लिए बराबर बना हुआ है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं। द माइनॉरिटीज हैव बीन गिवन राइट्स टू मैनेज देयर ओन इंस्टीट्यूशंस। जो माइनॉरिटीज जो हैं, जो जो अलग तबके के जो लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन भी कम है,
जिनका हिस्सा भी कम है उनको भी हमने अधिकार दिया है कि तुम्हारे स्टेटस को भी हमने अपलिफ्ट किया है। क्या देकर? राइट्स देकर, अधिकार देकर कि तुम जो भी तुमने इंस्टीट्यूशन अपने बना रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, संगठन बना रखे हैं, उनको आप को हमने अधिकार दे दिया, आप चलाओ और अपने कल्चर की खुद लैंग्वेज के खुद उसको प्रिजर्व करके रखो, संभाल कर रखो। बिकॉज सब कल्चर जो है आगे जाके किसको जन्म देता है? सिविलाइजेशन को। कल्चर हमारा किसको आगे बनाएगा? सिविलाइजेशन को। हमारा सिविलाइजेशन क्या है? सभ्यता क्या है? लोगों का रहना, ठीक, रहने का तरीका ही हमारा क्या है? सिविलाइजेशन है। द वे ऑफ लिविंग इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। तो स्टूडेंट, सिविलाइजेशन जब हमारा जब बनेगा, जब हम अपनी सभ्यता को, अपनी भाषा को, अपने रीति रिवाजों को संभाल कर रखेंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे कि उनकी भी एक प्लेस है हमारे समाज में, तो वो सारे राइट्स उनको संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए हमने माइनॉरिटीज़ को दे दिए हैं। इससे ऊपर वाला पॉइंट क्या था? कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अमीर गरीब सब के लिए कानून बराबर है। कानून किसी भी चीज़ में, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। स्टूडेंट्स आइए एम जो पार्ट है उसको रीड करते हैं, क्वेश्चंस को समझते हैं। व्हाट इंडिया इज कॉल्ड अ सेकुलर स्टेट? हमारे देश को सेकुलर स्टेट क्यों बोला जाता है? अखंड भारत, हिंदी में बोले तो अखंड भारत, इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सारे रिलीजन्स को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारा कोई भी इंसान हमारे देश में जो भी पैदा हुआ है वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, उसे छूट है। तो इसीलिए हमारे देश को सेकुलर स्टेट बोला जाता है। आइए जरा इसका आंसर समझते हैं। स्टूडेंट्स जरा समझते हैं, पीपल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, सभी तरह तरह के धर्मों के लोगों को और जिस भी इंसान में उस धर्म के प्रति विश्वास है तो उसे पूरी छूट है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, फॉलो कर सकता है। स्टूडेंट्स वही बात दी हुई है इसमें, पीपल्स हैव ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन्स। हमारे देश के लोगों को चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी, अगर उसे दूसरे धर्म के भगवान पर भी विश्वास है तो वो उसको पूरी छूट है कि वो उस धर्म को भी फॉलो कर सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। ये आंसर हुआ स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड पार्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स मेंशन्ड इन द टेबल। आपको बताना है कि वो कौन कौन से पशु थे, एनिमल्स थे जो पुराने टाइम पर जिनके हमें एविडेंसेस देखने को मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, बिकॉज वो एविडेंसेस, वो सबूत हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करके निकाले, ढूंढ कर निकाले, डिस्कवर किए। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसका आंसर। आइए इन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। शीप, भेड़ जिसको बोला जाता है, मीट एंड वूल, एक तरफ स्टूडेंट्स इसमें एनिमल्स लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में इनका यूज़ लिखा हुआ है कि वो एनिमल्स किस पर्पस या किस चीज़ में वो उनका इस्तेमाल किया जाता था, यूज़ किया जाता था। शीप जो है, भीड़ जो है, वो मीट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उससे हम मीट निकालते थे, मीट खाते थे आग में पकाकर, और वूल, उससे हमें ऊन भी मिलती थी, यानी कि उससे हम ऊनी कपड़े भी बना सकते थे, ठीक, उसे हमें ऊन प्राप्त होती है। सेकंड एनिमल जो था हमारा गॉट, जिसको हम बकरी बोलते हैं, बकरी हमें मिल्क देती थी, दूध, और मीट भी इस्तेमाल किया जाता था उसका। नेक्स्ट है हमारा कैटल, कैटल हमारी गाय भैंस, ये सारे मिल्क देते थे और इट्स प्रोडक्ट, यानी कि उससे मिल्क से हम और भी प्रोडक्ट्स बनाते थे, इसे लोग मठा यूज़ करते थे, छाछ जिसको बोला जाता है, दही,
तो ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो यूज़ करते थे, माखन वगैरह। तो कैटल्स यानी कि गाय भैंस से हमें दूध और उनके बने हुए प्रोडक्ट्स भी मिलते थे, प्राप्त होते थे। डॉग यानी कि कुत्ता, डॉग का इस्तेमाल लुक आफ्टर फील्ड्स यानी कि खेतों की देखभाल करने के लिए किया जाता था। एक डॉग का हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा न्यूलिथिक पीरियड चल रहा था, न्यूलिथिक पीरियड का मतलब उस पीरियड में हमने एग्रीकल्चर का करना स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ जानवर ऐसे थे उनसे बचा कर रखता था हमें डॉग, तो वो हमारे खेतों को नुकसान ना हो जाए इसीलिए डॉग ढेका बारी करता था, उन खेतों को देख रेख करता था। और डॉग ये भी है कि वो हमें अगर कोई खतरा अगर पास में है तो उसकी चेतावनी देने का काम भी डॉग करता था, बिकॉज़ वो उसकी आवाज़ से ही हमें पता चलता था अगर डॉग बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस बात से हमारे जो अर्ली मैन जो थे स्टोन एज के टाइम पर, वो सचेत हुआ करते थे, अटेंशन हो जाया करते थे डॉग की आवाज़ से। नेक्स्ट जो है इसमें एनिमल्स स्टूडेंट्स, बफेलो, बफेलो का यूज़ भी मिल्क देने के लिए होता था, मिल्क मिलता था हमें भैंस। ऑक्स, बैल, बैल का जो काम है हमारे खेतों में जुताई करने के लिए किया जाता था। बैल का इस्तेमाल गाड़ी के लिए भी यूज़ किया जाता था, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, या कोई भी गुड्स जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, वस्तुएँ जो वो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है अपने खेतों से, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बैल गाड़ी का यूज़ किया जाता था, और खेतों में भी बैल का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा पिग, पिग का इस्तेमाल यानी कि सूअर का मीट के लिए किया जाता था, मांस, उसका भी लोग मांस खाते थे। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं अभी तक के, और इनमें से आपको सिर्फ एक डायग्राम की अच्छे से तैयारी करनी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो डायग्राम दिया गया है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम, आपको सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाना है और प्लैनेट्स के नाम भी लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, आपको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनाना है, उसमें दिन रात कैसे होता है वो बताना है। और नेक्स्ट है आपको इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स यानि कि हमारे लैटिट्यूड कौन से हैं, लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स, ठीक, जो हमारे लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, और हीट जोन्स जो हमने पढ़े थे, तीन तरह के हमारे हीट जोन्स होते हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, आपको मैप उसमें अर्थ के डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट डायग्राम है सोलर सिस्टम, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस डायग्राम को प्रैक्टिस करें, आपको बढ़िया नंबर आ सकते हैं। आइए, सोलर सिस्टम है ये आपका, बीच में क्या दिया हुआ है, सन, सन एक स्टार भी है, क्योंकि स्टार का मतलब क्या हुआ है, एनी ब्राइटनिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चमकने वाला ऑब्जेक्ट को ही हम सन दिया है, तो सबसे ज़्यादा चमक रहा है देखिए, और इसी की रोशनी से, इसी की लाइट से ये प्लैनेट्स चमक रहे हैं, क्योंकि प्लैनेट्स की खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, ये सूरज की लाइट से चमकते हैं, और सूरज की गर्मी से ही इन पे टेम्परेचर होता है। आइए स्टूडेंट, तो सबसे पहला जो प्लैनेट है इसमें दिया हुआ है मरकरी, मरकरी जो है स्टूडेंट्स सूरज के सबसे पास वाला प्लैनेट है। स्टूडेंट्स, सूरज के सबसे पास वाला प्लैनेट है मरकरी, यानी कि सूरज से डिस्टेंस इसका सबसे कम होगा, यहाँ पर जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती होगी, जो सबसे पास वाला प्लैनेट वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी, और जस्ट उसका उल्टा करते हैं, जो सबसे दूर का प्लैनेट वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी। आई स्टूडेंट देखते हैं, सेकंड नंबर पे है वीनस, वीनस जिसको हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं, अर्थ का जुड़वा प्लैनेट, और
वीनस सेकंड नंबर पर हमारा प्लैनेट आता है। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा स्टूडेंट्स अर्थ। अर्थ यानी कि एक ऐसा प्लैनेट जो कि थर्ड नंबर पर आता है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, लोग रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, और इसको पानी ज़्यादा होने की वजह से इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। स्टूडेंट्स अर्थ के बारे में आपको ये तीन चार फैक्ट्स पता होने चाहिए। एक तो ये थर्ड नंबर का प्लैनेट है, दूसरा इस पे लाइफ पॉसिबल है, और तीसरा ये इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, वाटर का लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे पाया जाता है। आइए स्टूडेंट्स फोर्थ जो नंबर है, फोर्थ नंबर पे हमारा प्लैनेट आता है मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, लाल ग्रह, मंगल ग्रह भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट आता है स्टूडेंट्स वो आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर सबसे प्लैनेट्स में बड़ा होता है, बिग प्लैनेट होता है साइज में, ये समझ लीजिए। इसमें अर्थ आ जाएंगी, अर्थ के अलावा भी और प्लैनेट्स आ जाएंगे, इतना बड़ा प्लैनेट है हमारा जुपिटर। और एक और बात, यहाँ पे रेड स्पॉट पाया जाता है जो कि कंटिन्यूस एक तूफान की फॉर्म में, बवंडर की फॉर्म में घूमता रहता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये रेड स्पॉट है हमारा। स्टूडेंट्स मार्स और जुपिटर के बीच में एक रॉक पार्टिकल्स की बेल्ट जाती है, और ये रॉकी पार्टिकल्स, रॉक यानी कि पत्थर, ये घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, और इन्हें रॉक पार्टिकल्स को एस्ट्रॉइड्स बोला जाता है, और इसी बेल्ट का नाम है एस्ट्रॉइड बेल्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में आती है, तो उसका राइट आंसर है मार्स एंड जुपिटर। स्टूडेंट्स इस एस्ट्रॉइड बेल्ट की वजह से हमने प्लैनेट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एस्ट्रॉइड बेल्ट के जितने भी हमारे लेफ्ट साइड में जो प्लैनेट हैं उनको हमने इनर प्लैनेट का नाम दिया है IP, और जो हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट से बाहर हैं उनको हमने आउटर प्लैनेट्स का नाम दिया है OP। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हमारा प्लैनेट वो है सैटर्न। सैटर्न जो प्लैनेट है इसका ये खूबसूरत प्लैनेट बोला जाता है, और किसकी वजह से खूबसूरत होता है, क्योंकि इसके आसपास जो है ये रिंग्स हैं, ये रिंग्स रिवॉल्व करते रहते हैं उसके आसपास, चक्कर लगाते हैं, और यही रिंग्स बनाकर ही क्या है इसको खूबसूरती बढ़ाते हैं इस प्लैनेट की। इसको शनि ग्रह भी बोला जाता है, जुपिटर को बृहस्पति ग्रह बोला जाता है, मार्स को मंगल ग्रह बोला जाता है, अर्थ को पृथ्वी बोला जाता है, वीनस को शुक्र ग्रह, मरकरी को बुध ग्रह। आइए स्टूडेंट्स उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो प्लैनेट आता है सेवन्थ नंबर पर वो है हमारा यूरेनस। स्टूडेंट्स ये आपको पता चल रहे हैं कि यहाँ पर देखो वाइटिश वाइटिश आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक जो था सूरज की गर्मी पहुँच रही थी, मगर यहाँ से धीरे धीरे सूरज की गर्मी कम हो गई। जब सूरज की हीट कम पहुंच रही है तो उसका मतलब ये वो वहाँ पे ठंड बढ़ रही होगी। आइए स्टूडेंट उसके बाद जो हमारा लास्ट जो प्लैनेट है एट्थ नंबर का वो है हमारा नेपच्यून प्लैनेट। नेपच्यून प्लैनेट सबसे लास्ट प्लैनेट है और सबसे दूर का प्लैनेट भी हमारा नेपच्यून है। स्टूडेंट्स ये हमारे सोलर सिस्टम की एक्सप्लेनेशन थी, जिसमें हमने सारे प्लैनेट्स के नेम पढ़े, उनको लेबल किया, और साथ में हमने इनके एस्ट्रॉइड बेल्ट्स भी समझी, इनके कुछ अदर फैक्ट्स भी समझे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डायग्राम की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट जो प्लैनेट है हमारा डायग्राम जो है स्टूडेंट्स, वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आपको जो ये सेमी सर्कल जो दिखाई दे रहा है, बस इसी शेडेड पर्सन पोर्शन को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, बिकॉज इस शेडेड पोर्शन की वजह से ही दिन रात होता है, रोटेशन का प्रोसेस होता है। और ये हमारी जो ये आपको ये एंगल जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा 66 डिग्री 1.5 के एंगल पर रोटेट करती है हमारी अर्थ, रोटेशन होता है। स्टूडेंट्स ये आपको जो लाइन दिख रही है हाफ, बस इसके राइट साइड वाला हिस्सा में दिन होगा और लेफ्ट वाले हिस्सा में रात होगी। तो इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दिन और रात को डिवाइड करने का काम करता है। और ये हमारे किस प्रोसेस की वजह से पॉसिबल होता है, वो प्रोसेस है हमारा रोटेशन। आइए स्टूडेंट्स, छोटा सा डायग्राम था, छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी, नेक्स्ट डायग्राम की हम मूव करते हैं। हमारे रिवीजन का लास्ट डायग्राम, लास्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। बच्चे डायग्राम बहुत गलत बनाते हैं, ज़्यादातर बच्चे गलत बनाते हैं और कुछ सही भी बना देते हैं। इसमें सबसे पहले जो डायग्राम में हमें बात समझनी है, वो है हमारी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। बिकॉज हमारी अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, जियोइड जिसको नाम दिया गया है, अर्थ जैसी दिखने वाली शेप। स्टूडेंट्स ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, स्टूडेंट्स आइए ये जो हेमिस्फेयर जो हैं हम इनको देखते हैं, वो कौन सी लाइन है जो हमारे हेमिस्फेयर अर्थ के हेमिस्फेयर्स को डिवाइड करती है। स्टूडेंट्स अगर हम उस लाइन की बात करें, ये वो लाइन है हमारे इक्वेटर, जो कि अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से लाइन जाती है। और इस लाइन का जो मेज़रमेंट है वो 0 डिग्री है। स्टूडेंट्स ये एक ऐसी लाइन है जो कि हमारे अर्थ के दो हेमिस्फेयर को डिवाइड करती है। ऊपर वाला जो है हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर है, शॉर्ट में NH लिख देते हैं, और नीचे वाला जो है हमारा पोर्शन वो साउथ हेमिस्फेयर है, SH। क्योंकि ऊपर जो हमारा डायरेक्शन है वो कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसका मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर हो गया। हेमिस्फेयर का मतलब मैंने बताया है, अगर हम स्फेयर को हाफ कर देते हैं बिल्कुल, उसको हेमी बोलते हैं, हेमी स्फेयर। ऊपर वाला जो डायरेक्शन हमारा नॉर्थ आता है, तो ऊपर वाला हमारा स्फेयर जो हो गया वो हेमिस्फेयर नॉर्थ हो गया। नीचे डायरेक्शन हमारा साउथ आता है, तो नीचे वाला पार्ट हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर हो गया। आइए स्टूडेंट्स हम समझते हैं, तो इस लाइन का मेजरमेंट ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड करती है अर्थ को, 23 अगर हम बात करें 0 डिग्री पर। सेकंड, अभी हम लैटिट्यूड्स को ही समझते हैं, उसके बाद हम हीट जोन्स को समझेंगे। स्टूडेंट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन है जो कि 23 डिग्री 1.5 नॉर्थ से गुजर कर लाइन जाती है, ये आपको नज़र आ रही है, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको हम हिंदी में कर्क रेखा भी बोलते हैं। आइए स्टूडेंट्स ये ऐसा भी माना जाता है, ऐसा बोला, आपको पता है कि हमारे देश में जो लाइन जो जाती है हमारे देश को डिवाइड करती हुई, वो हमारी यही लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम बात करें ये लाइन जो है हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की तरफ से जा रही है, और मध्य प्रदेश, हाफ मध्य प्रदेश इसी लाइन से बटा हुआ है। ऊपर वाला हिस्सा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हाफ इंडिया है, नॉर्थ वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा हमारा साउथ इंडिया है। स्टूडेंट्स ये हमारे इंडिया को भी डिवाइड करती हुई जाती है लाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक जैसे हम नॉर्थ में गए थे उसी मेज़रमेंट में, जो हमारा मेज़रमेंट जो चल रहा था हमारा 23 डिग्री 1.5, ठीक उसी मेज़रमेंट में हम साउथ में जाएंगे और उसी लाइन का नाम बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम हिंदी में मकर रेखा बोलते हैं।
ये हमारे, अगर हम बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा कोई शेप है ऑस्ट्रेलिया का, तो बना के जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बांटती हुई जाती है ये। इसी लाइन के ऊपर ही हमारा ऑस्ट्रेलिया है। स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी हमारे सेम मेजरमेंट में है, बस फर्क ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी नॉर्थ हेमिस्फेयर में थी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी साउथर्न हेमिस्फेयर में है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जस्ट हम इसका आइए 66 डिग्री मेजरमेंट ले लेते हैं, हैंड हाफ 66 हैंड हाफ डिग्री मेजरमेंट ले लेते हैं। ये अगर हम बात करें साउथ में, साउथ में हम पढ़ते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल उसी को ही यहाँ पे अंटार्कटिका को ही अंटार्कटिक सर्कल का नाम दे दिया है। और ये सर्कल मतलब हमारा पूरा अंटार्कटिका को घेरे हुए है, तो अंटार्कटिका वाला एरिया अंटार्कटिक सर्कल बोला जाता है। इसका मेजरमेंट है हमारा 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, साउथ का मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है ये। स्टूडेंट्स, ठीक उसी मेजरमेंट से हम चलते हैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ में भी जो हमारा 66 डिग्री एंड हाफ होगा वो हमारा नॉर्थ में होगा, और वहाँ पे हमारा जो है वो है हमारा आर्कटिक सर्कल, बिकॉज़ यहाँ पर हम जो आर्कटिक ओशन जो हम पढ़ते हैं ठीक उसी एरिया को घेरे हुए यहाँ पे नाम दे दिया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और स्टूडेंट्स, आपको तो पता है हमारी अर्थ के दो पोल हैं, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन वाले को नॉर्थ पोल नाम दिया है, नॉर्थ पोल नाम दिया है नॉर्थ वाले हिस्से को, और अगर हम साउथ डायरेक्शन वाले साउथ के हिस्से को बोलें तो इसको यहाँ पे साउथ पोल नाम दिया है, बिकॉज़ ये पोल्स वाली ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, अगर हम बात करें ठंड वाला टेम्परेचर है, कम होगा बिल्कुल, माइनस में टेम्परेचर जाता है यहाँ पर, बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ पर लोग नहीं रहते, यहाँ पे लोग सिर्फ जा सकते हैं, वो भी रिसर्च के लिए गए हैं यहाँ पर लोग, हम रह नहीं सकते यहाँ पर, बिकॉज़ यहाँ पे वो लाइफ की कंडीशंस सरवाइव करने की ऐसी अच्छी नहीं है। स्टूडेंट्स, आइए इन्हीं के जोन्स पर ही जितने हमने काटे हैं, अब हम हीट जोन्स की पढ़ते हैं। आपको स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम जोन की बात करें, इक्वेटर आपको लाइन दिखाई दे रही है, इक्वेटर ऐसी लाइन है जो कि अर्थ को तो दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर को, बट इसी इक्वेटर की एक ऐसी भी लाइन है जहाँ पे हमारी सूरज की लाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है, रोशनी ज़्यादा पड़ती है, हीट ज़्यादा पड़ती है, तो जाहिर सी बात है जब रोशनी हीट ज़्यादा पड़ेगी तो गर्मी भी इसी एरिया में ज़्यादा होगा, तो इसीलिए इस एरिया को नाम दे दिया हमने टोरिड जोन। सेकेंड जोन की अगर हम बात करते हैं, जब हम ट्रैप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया साउथ में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया नॉर्थ में, इस पूरे एरिया को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट जोन का मतलब ये हुआ कि वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। स्टूडेंट्स, ये हमारा टेम्परेट जोन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऊपर वाला हेमिस्फेयर में नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ वाले हेमिस्फेयर में साउथ टेम्परेट जोन। आइए स्टूडेंट, थर्ड जो हमारा टेम्परेट जोन है हीट जोन, वो है हमारा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा जोन जहाँ पर, और ये जो है पोल का एरिया ही, जितना हमारा नॉर्थ पोल है और जितना हमारा साउथ पोल है, उसी सब एरिया को हमने फ्रिजिड जोन नाम दिया है, क्योंकि उस एरिया में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, फ्रीज कर देने वाली ठंड पड़ती है। स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल का एरिया जितना भी है हमारा ये, और साउथ पोल का जितना भी एरिया है हमारा ये, एक्चुअली नॉर्थ पोल का एरिया नहीं, नॉर्थ पोल तो बस एक बिंदी है, साउथ पोल एक बिंदी है जो कि 90 90 डिग्री पर टच करती है दोनों में,
नॉर्थ का 90 डिग्री, आइए ये पूरा 90 डिग्री स्टूडेंट्स, नॉर्थ का 9 बिंदी ही है जो मैंने बताई आपको, ये बिंदी और ये बिंदी, ये इक्वेटर एक ऐसी लाइन है, जीरो एंगल होता है, नॉर्थ पोल मतलब 90 डिग्री। और जब ऊपर 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है नीचे भी 90 डिग्री होगा, इसीलिए ये पोल जो है सिर्फ पॉइंट हैं हमारे, ऐसे पॉइंट जो 90 डिग्री पर सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं, तो इसी साउथ और नॉर्थ पोल में जितना भी हमारा अंटार्कटिका वाला पोर्शन आ रहा है नीचे, और अगर हम ऊपर की बात करें आर्कटिक, इन्हीं एरिया को हमने फ्रिजिड जोन नाम दिया है। स्टूडेंट्स आपका रिवीजन यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड होता है। स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करिएगा आपको, और ये हमारी लास्ट क्लास थी क्वार्टरली एग्ज़ाम रिवीजन सोशल स्टडीज़ क्लास 6 की। देखो हमारे रिवीजन ख़त्म हो गया, तो स्टे होम, स्टे सेफ और कीप रिवाइजिंग। अपना जो भी जितना भी मैंने रिवीजन का काम कराया है, पढ़ाया है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उसको रिवाइज करते रहें। और स्टूडेंट्स आपके लिए लोटस, जो कि हमारे राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय नेशनल फ्लावर, ये आपको बेस्ट ऑफ लक बोला जाता है। स्टूडेंट्स प्रॉपर अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, अच्छे से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिएगा। ये जितना भी मैंने आपको 6-7 क्लासेस में पढ़ाया है, या आपकी लास्ट क्लास जो थी 7th क्लास, इसमें आपका प्रॉपर रिवीजन ख़त्म होता है। सारी क्लासेस को एक बार देख लें और बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके। ओके स्टूडेंट्स, क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उनको शेयर भी करते रहें। नॉलेज बढ़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो स्टूडेंट पढ़ाई करना ज़रूरी है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू क्लास।